5.3 making order out of chairs the modern periodic table. तो मेंडेलीव ने जो पीरियडिक टेबल दिया वो बहुत अच्छा था, तो उसके बेसिस पे लेके मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया है जो कि एटॉमिक नंबर के बेस है. ठीक है, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एलिमेंट. उसको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो हेनरी मोसेले शोड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास एज डिस्क्राइब बिलो. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अकॉर्डिंगली मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड. मेंडेलीव ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली किया था, तो अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली. एंड एटॉमिक नंबर वॉज अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलो. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि आज भी हम वही यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक, लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय वन इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट. ठीक, तो प्रोटॉन है तो वो एक एक करके इंक्रीज हो गए, वन प्रोटॉन, टू प्रोटॉन, थ्री. तो इस तरह से एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक नंबर टू, एटॉमिक नंबर थ्री, तो एक एक के ऑर्डर में ही इंक्रीज होता है. एलिमेंट्स व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, और तब हमें मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विथ मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वेर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना. ठीक है, यानी कि उसके कुछ ग्रुप्स बना दिया जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो. ठीक है, तो हम पहले पूरा पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, उसके बाद उसका सब पूरा देख. ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ डिटेल, ठीक है, वही डिटेल पूरी मेंशन होगी. तो ये पीरियोडिक टेबल है. ठीक, उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको ग्रुप्स कहते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन एंड एटीन. तो टोटल 18 ग्रुप्स है और पीरियड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है. अब इसमें जो हरे जो ग्रीन कलर के हैं वो सब मेटल्स है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन है मेटल्स. ठीक है, उसके बाद है मेटालॉइड्स जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलूरियम एंड पोलोनियम. तो ये जो रेड कलर में है वो सब मेटालॉइड्स है, जिस मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करते हैं उसके बीच में आते हैं. लास्ट है नॉन मेटल्स जो कि मेजोरिटी टाइम्स गैसेस ही होते हैं, तो ये येलो कलर में है. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मेटल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद मेटल्स. अब ये जिगजैग लाइन है वो बेसिकली क्या करिए, मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करिए. द जिगजैग लाइन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स. ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है वो गैस है और वो नॉन मेटल है. ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो ऑर्बिट वाइज भी देख सकते हैं. तो फर्स्ट जो सेल होता है उसमें दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन, हीलियम. उसके बाद है थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, तो ये सब पूरे के पूरे सब एलिमेंट्स है. ठीक है, उसका एटॉमिक मास भी नीचे मेंशन है. ठीक है, उस बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 10.8, उसका सिंबल मेंशन है बी. तो होगा पूरा पीरियोडिक टेबल. अब उसमें किस तरह से अरेंजमेंट है, सपोज जो फर्स्ट ग्रुप है तो उसके सब जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं और उसका जो प्रॉपर्टीज है केमिकल और प्रॉपर्टीज जो कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं आयन्स, तो वो सिमिलर है. उस सेम वे सेकंड में, थर्ड में. ठीक है, इस तरह से बाद में जैसे है कि जैसे जैसे हम कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस है. तो फर्स्ट हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम,
थर्ड फोर्थ, ठीक है, इस तरह से सेकंड है। जिस तरह हम पीरियड है, तो सपोज ये सेकंड पीरियड है, तो उसमें हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इस तरह से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। फर्स्ट मेटल, उसके बाद मेटल और उसके बाद नॉन मेटल्स, ठीक है। कोई भी पीरियड हम ले, सपोज फोर्थ पीरियड लिया हमने, तो ये सब मेटल्स है और आगे जाते हैं नॉन मेटल्स है, ठीक है। और ये सब जो लास्ट लाइन है वो सब इनर्ट गैस है, नोबल गैसेस, जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अब जो यहाँ पे जो नीचे मेंशन है एलिमेंट्स, 58 से लेके 71 तो लेंथेनॉइड्स है, और 90 से लेके 103 है वो एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में अभी स्टडी कर ले रहे। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ थ्री लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। द एनोमलस पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी डिस्कस आफ्टर वी सी वॉट आर द बेसिस ऑन विच द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स। पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो किस तरह के दिए हुए हैं, तो पहले तो 18 वर्टिकल कॉलम्स है नोन एज ग्रुप्स। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स, ठीक है। तो जो वर्टिकल है उसको ग्रुप कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसको पीरियड कहते हैं। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। यू विल फाइंड दैट ऑल दिस एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फर्स्ट सेल होती है के, उसके बाद एल, एम, एन, ठीक है। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8, ठीक है, थर्ड एम उसमें 18, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। तो जो आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सपोज हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 1 है, सोडियम में 1 है, तो उस तरह से अरेंज किया जाता है ग्रुप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, जैसे कि लिथियम है तो उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1, पोटेशियम में 1, बेरिलियम में 2, मैग्नीशियम में 2, कैल्शियम में 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में 6, सल्फर में 6, ठीक है। इस तरह से पूरा टेबल अरेंज किया है, एलिमेंट्स को अपना अपना प्लेस दिया है। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेव नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरिन एंड क्लोरिन बिलोंग टू ग्रुप 7, जो कि हेलोजन्स भी कहा जाता है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, तो इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरिन एंड क्लोरिन हैव इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर है 9 और उसका कॉन्फिग्रेशन होगा 2 7, और क्लोरिन का एटॉमिक नंबर है 17, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में आउटर मोस्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो दोनों में सेम है, सेम नंबर है 7, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई एन आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, यानी कि जो लास्ट सेल है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे सेकंड, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है तो वो सेम होता है एक ग्रुप में। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सपोज हीलियम में ओनली 1 है, 2, नियोन में 2 8, 2 से आर्गोन में 2 8 8, 3, ठीक है, उसके बाद 4, तो नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, तो वो इंक्रीज हो जाता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। देर इज अनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं और ग्रुप 17 जहाँ पे फ्लोरिन क्लोरिन आता है वहाँ पे भी कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट दिस एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ये सब एक ही पीरियड में मेंशन है। तो बेसिकली पीरियड क्या है कि
जो सेल है वो सेम नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हम लिथियम देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-1, उसके बाद है बेरिलियम 4, तो उसकी होगी 2-2, बोरॉन 2-3, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 2-4, ठीक है, नाइट्रोजन 2-5 एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8-2-6, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो हर एक एलिमेंट में पीरियड में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो सेम है। फर्स्ट पीरियड में ओनली 1 सेल, सेकंड पीरियड में 2, थर्ड पीरियड में 3, फोर्थ में 4, ठीक है, द सेम नंबर ऑफ सेल्स। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ठीक। तो लिथियम में 1 है, ठीक है, बाद में बेरिलियम में 2, बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाता है तो एक एक करके इंक्रीज होते हैं। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो एटॉमिक नंबर है वो भी इंक्रीज होगा बाय 1 यूनिट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में वैसे। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, ठीक है। तो सेम सेल्स है, सेम नंबर ऑफ सेल, 2 सेल्स है तो वो सेकंड पीरियड में होगा। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl एंड आर्गन Ar बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स आर फिल्ड इन Kl एंड M सेल। तो K है वो फर्स्ट सेल, L सेकंड, M थर्ड। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स टू कंफर्म द अबव स्टेटमेंट, ठीक। तो सोडियम की हम राइट कर सकते हैं, सोडियम 11, 281, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 282, उसके बाद एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 283, सिलिकॉन 14 जो कि मेटालॉइड है, 284, फॉस्फरस 15, 285, सल्फर 16, 286, क्लोरीन 17, 287, और लास्ट में आएगा आर्गन 288, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो सब में 3 सेल्स ही है और वो सब थर्ड पीरियड में है। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड, ठीक है। तो हर एक पीरियड जैसे जाते हैं तो फोर्थ पीरियड है उसमें 4 सेल्स हो गए, फिफ्थ पीरियड में 5 सेल्स, ठीक। तो इस तरह से आगे हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पीरियड बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन टू वेरियस सेल्स, ठीक। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लास, तो आप 11, 12 में इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करोगे। रिकॉल दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n2, यानी कि के सेल में 2, 1² 2, एल सेल में 8, एम में 18, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल के सेल यानी कि फर्स्ट सेल है सबसे नियरेस्ट, 2 इंटू एन की जगह 1 पुट किया, 1² इज इक्वल टू 2, एंड द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स, सेकंड है एल सेल, 2n² एन की जगह 2, तो सेकंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट, थर्ड है एम सेल, 2 इंटू n² एन की जगह 3, 18, बट द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैज ओनली 8 एन। तो इसके ऊपर आप डिटेल में 11, 12 में स्टडी करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ सकते हो कि फर्स्ट पीरियड है तो 1 सेल, सेकंड पीरियड 2 सेल, ठीक है, थर्ड पीरियड तो 3 सेल्स। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेबल टेल्स अस अबाउट द इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि वो केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह से कहें, कितना आयन्स फॉर्म हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो आयन फॉर्म होगा, किस एलिमेंट से वो रिएक्शन करे, तो वो सब इससे हाइड आ जाता है पीरियड टेबल में। एज यू हैव लर्न्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट, ठीक है, आयनिक बॉन्ड हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसी से डिसाइड होते हैं। कैन यू नाउ से व्हाई मेंडेलीव्स चॉइस ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एज द बेसिस
फॉर डिसाइडिंग द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स टेबल वॉज अ गुड वन। ठीक है, तो मेंडेलीव ने जो जिस तरह से उसको अरेंज किया था वो एक बेटर वे था, उसी के बेस लेके ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल फॉर्म हुआ है। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बींग प्लेस इन द सेम ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल स्टडी करेंगे।